नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। और फिर हम आपको लेके आए हैं उसी जगह जो कल आपको एक वीडियो दिखाई थी। यहाँ पर कल अमित शाह पहुँचने वाले हैं टोहाना के अंदर, और उसी जनसभा स्थल पर हम पहुँचे हैं, रैली स्थल पर पहुँचे हैं, जहाँ से एक बड़ी जनसभा को अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, वो संबोधित करेंगे। और यहाँ तैयारियाँ हैं जो जोरों से चली हुई हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग और जो पुरुष आएंगे उनको लिए अलग बनाई गई है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बड़ा मंच लगाया गया है जहाँ से जनसभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड पहुँची है, बम स्क्वाड वहाँ पर पहुँचे हैं, हर प्रकार का जो अमला है यहाँ पर पहुँच चुका है। प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए हर प्रकार की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है। अलग अलग यहाँ पर जांच की जा रही है, डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है कि कहीं पर किसी प्रकार की व्यवस्था सुरक्षा जो रखी गई है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो आप देख सकते हैं, आप सामने में इस साइड कहूँगा कि ये जो हिसार से चंडीगढ़ रोड जाता है टोहाना के अंदर, मदन लाल ढींगरा पार्क के बिल्कुल सामने इस सभा स्थल को बनाया गया है। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, बड़ी बड़ी LED लगाई गई हैं, बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम है वो लगाया गया है, और अलग अलग प्रकार से जो बैठने की व्यवस्था है वो बनाई गई है। VIP मंच अलग बनाया गया है, बड़े मंच के द्वारा यहाँ से जो रैली स्थल को, जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, उसके बगैर मीडिया के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की लगातार 3 दिन से यहाँ जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल लगभग 12 बजे यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं, और देवेंद्र सिंह बबली भाजपा नेता जो BJP के उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ वोटों की अपील करने के लिए आएंगे। तो देखना होगा कि कितना यहाँ जो जन समूह है वो पहुँचेगा, कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ये देखने वाली बात रहेगी। कल लगभग 12 बजे अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। तो मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने एक बड़ा मंच लगाया गया है जिसके माध्यम से यहाँ पर देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो रैली को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है, जांच की जा रही है डॉग स्क्वाड के द्वारा, बम स्क्वाड यहाँ पर आए हुए हैं उनके द्वारा हर चीज़ को जांचा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो। तो लगातार इस वीडियो को आप शेयर करते रहें। रैलियों की जो तैयारी है वो लगभग पूर्ण कर ली गई है, जो कुछ बची हुई हैं वो जल्द ही पूर्ण कर ली जाएंगी। तो लगातार आपको हमारे रियल न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो देखना होगा कि कितना जन समूह यहाँ पहुँचेगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।